सही है ना, वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। आगे क्या करें, 22nd में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टॉम ओज 150 रेंट, हाउ विल द एडजस्टमेंट फॉर दिस अमाउंट अफेक्ट टॉम्स फाइनल अकाउंट्स। यार अगर टॉम ओ कर रहा है रेंट, तो वो ओ क्या है, हमारे लिए अक्रूड रेंट है, अक्रूड रेंट हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, तो उससे करंट एसेट बढ़ेगा, करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो बी या डी में से होना चाहिए। और बताओ वो जो अक्रूड है ईयर एंड पे प्लस होता है या माइनस, वो प्लस होता है तो उससे एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये रेंट हमने दिया नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल देना है, तो इसको एक्सपेंस में भी डालेंगे, लाइबिलिटी में भी डालेंगे, क्या एंट्री बनाएंगे, एक्सपेंस डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। तो आंसर आएगा 22nd का डी।